अपना भी सदस्य थी या फिर रामगढ़ प्रखंड से जितना भी एक्टिव सदस्य थी, वो सबके दायित्व बना है कि वो पंचायत स्तर के या फिर वार्ड स्तर के जितना भी पदाधिकारी गण हथी वो सबके मार्गदर्शन करे थी, वो सबके गाइडलाइन करबत थी, ताकि हमनी के जो संगठन है, हमनी के जो पार्टी है वो थोड़ा और मजबूत है, पार्टी के जो बॉन्डिंग है वो और मजबूत बैठे। तो कहीं ना कहीं सबके अपन आप में ये चीज ठान लेना हो कि जे बी केसेस मतलब हम काहे कि हमर हर वो गलत कदम जे बी केसेस के एगो दाग देते, तो काहे ना हमर एगो पॉजिटिव कदम जे बी केसेस के मजबूती देते। आखिर हम जे बी केसेस में ही है, यदि हम किसी तरह के कोई गलत काम करबे तो कहीं ना कहीं जे बी केसेस धूमिल भेते, और वह चीज वो यदि हम कुछ अच्छा करबे तो जे बी केसेस के नाम भेते। तो वह टा प्रयास करना है कि प्रखंड के जितना भी पदाधिकारी हथी या सक्रिय सदस्य हथी, वो सब प्रयास करबा थी कि अपन जो पंचायत है या फिर जो प्रखंड में जितना पंचायत है या फिर वार्ड है वो सब के गाइडलाइन देब थी, ताकि हमनी के जिस तरह से काम धाम तो खैर वो बारह महीना लगल हो, कहियो ऐसा नखो जो काम नखो, तो लोग के अवगत करवे है तो ओकर समस्या से लोग काहे ले जुड़बत या वोट काहे ले देब। आखिर वोट मांग भाग तो कम से कम वो भी तो पूछ तो कि काहे देबो, विकास के नाम पे कि शिक्षा के नाम पे कि रोजगार के नाम पे कि पॉलिसी के नाम पे, काहे कि सब को यहाँ ठग चुकले हथी, लोग के पास उतना भरोसा ना बचल है, आस और उम्मीद इतना ना बचल है कि वो तोर पे लुटे, तो ओकर लिए हमनी के कुछ बेहतर करना है, कुछ अलग करके दिखाना है, तब ने भरोसा करबा तू। तो इसीलिए हमनी लोग के जोड़ सकल है या फिर कह सकल है अपन संगठन अपन पार्टी के मजबूती इस तरह से कर सकल है कि जन जन के समस्या के निदान कर रहे हैं। हमनी के अभी संख्या बल बहुत हो, कहीं भी अगर कार्यक्रम है वो तो बहुत सारा भीड़ देखे के मिलो, तो कहीं ना कहीं वो भीड़ के भंजाना हो, जे भीड़ आंदोलन जा रहा ने वो भीड़ के अब ऑफिस घुसाना हो, BDO ऑफिस, CO ऑफिस, सदर अस्पताल, सिविल सर्जन, कहीं भी रहो, जहाँ पर भी लगो कि यहाँ पे धांधली हो, जे बी केसेस के बहुत लोग याद भी कर रहा थी और आगे भी करवा थी, तो हमने दायित्व बना हो कि वहाँ पर जहाँ से भी अगर बुलावट आ रहा है तो जे तरी हमने सभा में जा लिए उ तरी अब हमने दफ्तर घुसे काम कर, बाप बाप बोलते अधिकारी मामूली 10 गोरा भागने काफी है। इसीलिए हमनी के साथ लोग तबे इतू जब उ सब के लिए हमने लड़भा, उ सब के लिए अब हमने कुछ कर भाग पहले करके देखवे है, तो इसीलिए प्रयास करा कि आसपास के जितना भी जन समस्या है हम इनके इचेर के निकाले है, तो समस्या काहे कि हमने बहुत बड़ा लोड ले लेले है माथा में, हमने रुपया पैसा के मामला देखा था, हमें पूछना है, हमने पास जो हो बुद्धि हो ज्ञान हो या फिर कैसा कल जितना पढ़ल लिखल है और संख्या बल हो, तो एकरे माध्यम से हमने के झारखंड नवनिर्माण करना हो, सोचबे रुपया के भरोसे तो ना टिके पारबे कोई। इसीलिए जे बी केसेस के जे मूल सिद्धांत है, जे टाइगर जयराम दा के जे विचार है, ओकरा मजबूत करे खातिर अब हमनी के जन समस्या के ले करके और आगे बढ़े है, तो ओकर समाधान करते हुए आगे बढ़े है, तो चाहे वो किसी भी तरह के समस्या का है ना, एकर में क्षेत्रवाद ना देखना हो, जे जैसन सक्षम यदि ककरे लगे है कि हम गांव तक गांव के समस्या में साथ दे सकलिए, ककरे लगे है कि अगर बोकारो में भी किसी तरह के समस्या है तो हम भी वहाँ समय दे करके उस समस्या का निदान कर सकलिए, रांची में कर सकलिए, रामगढ़ में कर सकलिए, तो वो अपन स्तर से उतना भाग ले सकल है ओकर निदान खातिर। बाकी हमने के झारखंड में का समस्या है ओकर से सभी कोई अवगत हथी, सभी कोई के मालूम है,
चाहे शिक्षा के क्षेत्र रहो, चाहे रोजगार के क्षेत्र रहो, चाहे किसी भी तरह के क्षेत्र हो न, झारखंडी के का स्थिति है न, वो सब कोई जान रहा है। आवे वाला दिन में झारखंड तो रह जितो, लेकिन झारखंडी बहुत मुश्किल हो की नजर एक तो देख ला। दो चार गो रामगढ़ दने से भी गैर खतियानी सब किस तरह से दावा कर रहे हती, और हमने की इतना भी साहस ना आ रहे कुछ सब के हमने पलटवार करिए। हमने के आजा दादा पुरखा यही सिराए गला, लेकिन आज तक हमने ये रामगढ़ के टोन में हमने अपन अथी ना करे पार ले है, लोकलिटी ना देखे पार ले है। तो कहीं ना कहीं हमनी के ऊपर भी सवाल खड़ा है, वो है कि हमनी आपस में टूट के रहल है। इसी वजह से अब समय आ गए है कि एकता के परिचय देते हुए आगे बढ़ना है, ताकि हमनी के बाल बच्चा सबके भविष्य अच्छा बीते। काहे कि हमनी तो लगभग लगभग अब जितना चचा इस सब के उस सब के तो लगभग अब आ गए इस सब के, तो वैसा कोई विशेष मतलब ना हो, ना रोजगार से मतलब किसी तरह कमाना खाना बाल बच्चा के शादी ब्याह लगाना बस। लेकिन हमने के आवे वाला भविष्य खातिर संघर्ष करे वे तो एकजुट होवे पड़ तो। बाकी कैंडिडेट या चुनाव के बात है तो इतना जान ले कि वर्तमान परिस्थिति में टाइगर जयराम महतो से बढ़ के या फिर ओकर से बुद्धिमान अभी तक ना दिख रहा है। जे भी लोग देते ना ठोक पीट के देते, पकड़े भी देते। इसीलिए ओकर लिए निश्चिंत रहना है, सबके अपन स्तर से मेहनत करना है। इतने कहबे जोहार।